चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, इमरान खान ने काम नहीं करना तो मुसाफी होकर घर जाएं, किसी और को आने दें। वजीर आजम को कौन समझाएगा कि अब आप कंटेनर पर नहीं, वजीर आजम बने, कंटेनर से उतरें और अपना काम करें। पीटीआई के खिलाफ साजिश खुद पीटीआई ही कर रही है। मजीद बोले, रिलीफ ऑपरेशन और ना ही मईशत संभालने के लिए एक रुपया दिया गया। यह 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करते हैं, खुद कोई काम करने को तैयार नहीं। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम मुखालिफत भी ना करें। लॉकडाउन पर अमल हो या एक्सपो सेंटर करंटीना, पाक फौज ने हमारी मदद की। ये पहला वजीर आजम है जो कश्मीर के इशू पर भी कौमी इत्तेहाद कायम करने में नाकाम रहा। मुल्क का वज़ीर आज़म है और हम इस मुल्क के सबसे मुश्किल नेशनल क्राइसिस के मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आज़म होके काम करो। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफा दे के घर जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके जो नुमाइंदे हैं, मेरे सूबे पे, मेरे हुकूमत पे मुसलसल हर दिन हर घंटा बाद हमला करते हैं। दिन रात वफाक की तरफ से सूबाई सिंध के वज़ीर को, सूबाई सिंध का वज़ीर आला को निशाना बनाया जाता है। हर सुबह को वफाकी हुकूमत की ना अहली ना लायकी की वजह से नुकसान पहुंचाया है। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत का साथ देना पड़ेगा। उसने हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं करना तो हमारा मुखालफत तो ना करे। आज तक वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें ना एक रुपया मिला है अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, ना हमें एक रुपया मिला है अपना हेल्थ केयर का कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए। कराची का जो सूरत हाल है वो खुदा ना खास्ता न्यूयॉर्क की तरह ना हो। साजिश अगर है ना पीटीआई के खिलाफ, वो पीटीआई की तरफ से साजिश है, कोई और साजिश उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोरोना वायरस नहीं बनाया, फौज है वो हमारे साथ भी दे रहे हैं। लॉकडाउन में अमल करने हो करते हुए या हमारा ये एक्सपो सेंटर खड़ा करने के लिए, मैं समझता हूँ कि हम ज्यादा मदद ले सकते हैं। जाए इसके कि अपने काम बताएं, सिंध में क्या किया और रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। बिलावल को नहीं पता कि इनके वजीर आला 10 मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं, बावजूद इसके 18वीं तरमीम आई हुई है, उसके बावजूद इमरान खान ने एक प्राइम मिनिस्टर ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसमें तमाम सूबों के रिप्रेजेंटेशन है, 10 इजलास हो चुके हैं और मुराद अली शाह उनमें आते रहे हैं, अंदर आके एग्री करते हैं चीजों के बिल्कुल हमें यूं करना चाहिए, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे मुकर जाते हैं।